यहीं से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की। तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों में सोयाबीन में जोरदार बढ़त बनती नजर आ रही है। यूएस सोयाबीन का वायदा बाजार आज $1500 के ऊपर निकल चुका है, $1531 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से देख रहे हैं यूएस सोयाबीन में लगातार एक के बाद एक लगातार तेजी बनती नजर आ रही है, और ब्राजील और अर्जेंटीना में जो उत्पादन अनुमान है उसमें लगातार कटौती की जा रही है, वैश्विक सप्लाई सोयाबीन की कम रहने का अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है इसका असर घरेलू बाजार पर कब तक देखने को मिल पाएगा? देखिए, घरेलू बाजार में भी तेजी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से विदेशी बाजार रिएक्ट कर रहे हैं और उसपे जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, उसका असर डेफिनेटली हमारे भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वॉल्यूम्स नहीं है और वायदा में आप बैन लगने के चलते जो कीमतें हैं वो काफी सीमित दायरे में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे चलकर बाजारों में जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इसी लेवल पर कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शंस हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो एडिबल ऑयल पैक में तेजी जो है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। अदरवाइज जिस तरीके का हम सिनेरियो देख रहे हैं, जो फंडामेंटल है उसके चलते डोमेस्टिक मार्केट अब तक उड़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी बाजारों में उतनी तेजी आई नहीं है और इसीलिए बाजार जो है एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेड है कि बाजार यहाँ से उठेंगे और उम्मीद है कि सोयाबीन एक बार वापिस से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन के अंदर ये अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी, सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।